हे गाइस, बैक विद सोल अपडेट एंड टूर्नामेंट वीडियो। सो वॉर मेनिया के प्रो वॉरियर कप के सेमीफाइनल के डे 2 में मैच 4 जो कि मीरामर का मैप था, तो मीरामर का मैप में सोल ने 6 किल के साथ चिकन डिनर निकाला है। एंड मैच 5 जो कि इरेंगल का मैप था, तो इरेंगल का मैप में सोल गॉब्लिन ने 1v4 किया है एंड सोल हेक्टर ने 1v2 कर दिया था बट फिनिश नहीं किया। एंड वॉर मेनिया का ओवरऑल स्टैंडिंग आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अभी वॉर मेनिया के मैच चल रहे हैं सो इसलिए मैंने आपको अपडेट नहीं दिया है पॉइंट टेबल का। एंड आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आज 36K हो जाना चाहिए। कैसे भी आपको ऐसे ही सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं मैच की तरफ। परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और अभी तक वो टूर्नामेंट के अंदर ढंग से शाइन नहीं कर पा रहे थे और आफ्टर दिस गेम आई होप कि वो जो शाइनिंग है वो कांस्टेंट हो जाए। अभी को स्पॉट करा, डैमेज देने की कोशिश की, अक्षत काफी ज्यादा ओपन में है। मेरे हिसाब से यहां पे प्राइम टारगेट ये रहना चाहिए कि उनको यहां से निकल जाना चाहिए, बट उतनी देर में ओमेगा हो चुके हैं नॉक और ओमेगा को अब रिवाइव देना है। और कॉन्स्टेंटली यहाँ पर वो एक ही चीज कोशिश करेंगे कि स्मोक कर कर अब जो भी हो बदल जाए, बट गॉब्लिन ने उसी देर में अभी को उड़ा दिया आकर। ये भी एक अलग ही स्टाइल है भाई, गॉब्लिन ने एगी को भी नॉक कर दिया, अभी को भी नॉक कर दिया। अब ये परेशानी में आ सकते हैं, बगी का कवर ले तो रहे हैं बट ऊपर से एनर्जी ड्रीम्स के सामने ईवो और एमजे भी उनके लिए कठिनाइयां बढ़ाते जा रहे हैं। लैम्बो पे गोलियां चलाने की कोशिश अभी और वहीं पे गॉब्लिन का जो फिनिश था अभी पे वो हो चुका है कंफर्म। सोल के पास एक अच्छा फिनिश आया बट दैट टैंक ने ईवो को भी उड़ा दिया है। पहला नॉक अभी ने निकाला था, उसके बाद गॉब्लिन को इतना गुस्सा है, बैक टू बैक 3 प्लेयर्स का गेम खराब कर चुके हैं और हेक्टर कमिंग इन एंड फिनिशिंग अदर टीम जीम। ये एक टीम 2 टीमों को संभाल रही है, एक गॉब्लिन है जो टीम एनिग्मा को संभाल रही है, अगर कोई भी स्लैमन आया उस दौरान तो कोई भी प्लेयर बाहर भी हो सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। गॉब्लिन के द्वारा एक एक करके एलिमिनेट होते हुए प्लेयर्स को देख पा रहे हैं। एनिग्मा की टीम पूरी तरीके से स्मैच से बाहर कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ FaZe Esports के खिलाड़ी हिटमैन नॉक हो चुके हैं, क्लच बचेंगे एक सोलो सर्वाइविंग प्लेयर और क्लच के हाथों में आ चुकी है पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रिट्रीट करना चाहेंगे या फिर आगे बढ़कर अपने टीममेट के साथ वो फाइट लेना प्रेफर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रिवाइवल देने की लगातार कोशिशें हैं बट गॉब्लिन को एक लंबा सफर तय करके जाना है, वो भी ऑन फुट। एग्जैक्टली इट इज, यहाँ पर गॉब्लिन ने भले ही टीम एनिग्मा का सफर खराब कर दिया बट जब हेक्टर ने शुरुआत करी थी एनजीएक्स को मारने की, वो एक रिटेलिएट सा कर गया और एनजीएक्स ने 2 प्लेयर यहाँ पे फिनिश कर दिया और अक्षत भी हो चुके हैं नॉक। गॉब्लिन को कुछ भी करके अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स सी वो करते नहीं करते, बट जिस तरह वो जा रहे हैं वहां पर टीम एक्स उनका स्वागत करेगी और यहाँ बट एंड ऑफ द डे इट वॉज टीम वॉकआउट, जिन्होंने फ्रैग्स भी निकाले, अब टीम को रिवाइव भी मिला है। ऑल दो मेरा फोर मैन लाइनअप नहीं चलेगा बट निखिल ने ओके देन दैट प्रे, उन्होंने यहाँ पे FNK Exodus को इंस्टेंटली बिल्कुल कहते ना फोर्सेर उनकी बॉडी पे चिपका दिया और उनको गेम से निकाल दिया। और यहाँ पे हाइड्रा लेजेंड का जो कंफर्म था नॉक उसको कर दिया है लेजेंड ने, गॉब्लिन ने। मेरे यार मैं जब भी से भी डाउन किए जाएंगे F9 के प्लेयर्स के द्वारा बट पीछे से पंकज स्प्रे आया। 3 फिनिशेस हैं, अगर तरीके से खेले देखें प्ले ले ले अग्रेसिव, ट्रिगर आते हुए देखें ट्रिगर काफी ज्यादा ऊपर में है, वैन से निकलेंगे और अपनी पोजीशन लेंगे, ट्रिगर के पास एचपी कम है बट प्ले जोन यहां पर किसी का सगा नहीं होता। हेक्टर ने ट्रिगर का किया जो नॉक था जो सीधा फिनिश करके उनको गेम से बाहर निकाला। अक्षत एंड हेक्टर धीरे-धीरे गेम की तरफ वापस बढ़ेंगे और पंक इज होल्डिंग डाउन, इट इज वेरी क्लोज। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर सोल को कोई भी टक्कर दे पाएगा, पंक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हेक्टर, ही इज प्लेइंग वेरी एग्रेसिव, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पंक अभी यूटिलिटीज में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जल्दी से स्पॉट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया, हेक्टर का स्पॉट मिस नहीं हो रहा विदाउट टेकिंग अ सिंगल इंच डैमेज, उन्होंने पंक को कर दिया एलिमिनेट। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, मैं सिर्फ सॉरी चीज देख रहा हूं राइट पे, वो लास्ट पे ओके वो देखिए वो है कहां, हील बैटल चल रहा था अलग ही हाइड्रा का। तो कैसे लगा आपको सोल का ये 6 किल के साथ चिकन डिनर एंड सोल गॉब्लिन का वो 1v4, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।